हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। और इस उम्मीद के साथ लेक्चर की शुरुआत करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। एज यू नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं आईसी इंजन एंड कंबसन को। आईसी इंजन में पिछली बार हमने मैकेनिकल का पेपर डिस्कस किया था, जो 2018-19 में ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे सेम ईयर का पेपर ऑटोमोबाइल के लिए। मैकेनिकल में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे आईसी इंजन से, मगर यहाँ पे टोटल 51 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, 25-25 करके। आप कहोगे सर एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक बार डिस्कस करेंगे ना तो एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जल्दीबाजी में करना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। आप कम सीखो मगर अच्छा सीखो। आप कुछ अच्छा सीखोगे तभी आपका सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी एक वैधानिक सूचना है आपके लिए कि अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं लेक्चर बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, और आपको अब टेक्निकल जो लेक्चर्स हैं उनकी भी पीडीएफ वहां पे मिलती रहेगी। क्योंकि मैं टेक्निकल लेक्चर में भी अब सोच रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर को ऐड करके आपके साथ शेयर करूँ। ये आपके लिए शायद कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल की जो वीडियोज हैं उनको शेयर करते रहिए, ताकि लोग जुड़ते रहें, मुझे भी थोड़ा मजा आता रहे। नेवरदलेस, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर बिगर फ्लाईव्हील। आंसर तो आपको पता है, बहुत ही सिंपल, बिगर फ्लाईव्हील। मगर मैं यहां पे केवल आपको आंसर नहीं बताता हूं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं इसको कि फ्लाईव्हील बड़ी क्यों चाहिए और फ्लाईव्हील करती क्या एग्जैक्टली। फ्लाईव्हील ये एश्योर करती है कि हमारे इंजन को स्मूथ पावर सप्लाई मिलती रहे, क्योंकि हमारे इंजन में एक ही पावर स्ट्रोक होता है, बाकी सब स्ट्रोक तो बेकार के होते हैं, दूसरे की कमाई खाते हैं। तो दूसरे की कमाई उनको आसानी से मिलती रहे और पैरेलल मिलती रहे, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लाईव्हील यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन भी होता है, लोड की फ्लक्चुएशन भी होता है, उस समय एनर्जी कम ज्यादा चाहिए होती है हमारे इंजन की। ये सब मेंटेन करना किसका काम होता है, हमारे फ्लाईव्हील का काम होता है। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि इसको डीजल इंजन में बड़ा क्यों चाहिए। देखो, डीजल इंजन में बड़ा इसलिए चाहिए कि वहां का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 15:23 और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 8:12। अब आप कहोगे सर फीलिंग नहीं आई, फीलिंग नहीं आएगी, कंप्रेशन रेशियो से फ्लाईव्हील का क्या रिलेशन है। ये कंप्रेशन रेशियो क्या है, जस्ट रिमेंबर दिस, ये कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो बताता है कि किस सिलेंडर में ज्यादा प्रेशर है, किसको ज्यादा कंप्रेस किया गया है, किस सिलेंडर के अंदर जो फ्लूड है उसको ज्यादा कंप्रेस किया गया है। तो किसमें ज्यादा कंप्रेस किया गया है, हमारे डीजल इंजन में। अच्छा, जब इसको ज्यादा आप कंप्रेस करोगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्रेशन जो प्रोसेस होता है दैट इज पावर कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उसको पावर कहां से मिलती है, उसको पावर ये फ्लाईव्हील प्रोवाइड कराती है, और ये फ्लाईव्हील पावर कहां से लेती है, हमारे पावर स्ट्रोक से लेती है, और ये एब्जॉर्ब करके रखती है, उसको स्टोर करके रखती है, और जब इंजन को जरूरत होता है तो सप्लाई करती है। इसमें चूंकि आप देख रहे हो कंप्रेशन कम है, मतलब कम प्रेशर सिलेंडर में होता है, तो इसको कंप्रेस करने के लिए कम ही पावर चाहिए, तो छोटी फ्लाईव्हील से भी काम चल जाता है। अब थोड़ा सा इसको आप फील कर लो। ये देखो फ्लाईव्हील है, आपने देखा होगा गांव में इंजन आता है डीजल इंजन, इसका भी काफी पावर होता है, आई थिंक 15 से लेकर 25 हॉर्स पावर का आता है, जो गांव में पानी या फिर किसी और जो कृषि का काम होता है, एग्रीकल्चर का काम, वहां पे यूज करते हैं। अगर दूसरा आप देखना चाहो फ्लाईव्हील, तो ये है फ्लाईव्हील, इस टाइप के भी आती है, सॉलिड सेक्शन में भी आती है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप की आती है। अब इस टाइप की फ्लाईव्हील क्यों आती है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि पूरा सॉलिड रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, और ये बीच में हॉलो रहेगी और जो मास होगा वो टोटली सर्कमफ्रेंस पे ओरिएंटेड रहेगा, तो उससे क्या फर्क होगा। क्वेश्चन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का है, मास का है, कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप जवाब दे सकते हो तो जरूर दीजिएगा। वैसे आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो आईसी इंजन में, मुझे पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे थे बहुत लोगों ने जवाब दिया था, और कुछ बच्चों ने तो बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने वो क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया, उनको अप्रिसिएट भी किया। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहिए, और ऐसा कोई फंडामेंटल क्वेश्चन आता है तो मुझे भी पूछने में मजा आता है जब आप जवाब देते हो। तो ये जवाब, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि ये जो मास है वो हम सर्कमफ्रेंस पे ज्यादा माउंट क्यों करते हैं, इसको सॉलिड क्यों नहीं बनाते हैं, हॉलो बनाने का एडवांटेज क्या होता है। हालांकि आईसी इंजन का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप जवाब देना। ये सब चीजें मैंने लिख दिया है कि कंप्रेशन रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है, जब हमने कंप्रेशन रेशियो की बात किया, दिस इज नथिंग बट द डिग्री टू विच फ्लूइड मिक्सचर इज कंप्रेस बिफोर द इग्निशन। ऑब्वियसली क्या होता है, उसको कंप्रेस करते हैं, जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो
होगा, आगे क्वेश्चन आएगा कंप्रेशन रेशियो पे तो और डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है फायरिंग ऑर्डर से रिलेटेड। अब ये फायरिंग ऑर्डर क्या होता है एग्जैक्टली? बहुत सारे जब आपके पास सिलेंडर होते हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से आप क्या करते हो, अरेंज करते हो। उसी में एक तरीका होता है इनलाइन का, रेडियल भी आप कर सकते हो, वी टाइप्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ढेर सारे तरीके होते हैं जिससे आप इंजन सिलेंडर को क्या करते हो, अरेंज करते हो। तो आप ये कह रहे हैं कोई इनलाइन इंजन सिलेंडर है उसमें फायरिंग ऑर्डर क्या होगा। अब हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम फायरिंग ऑर्डर बनाते ही क्यों, हम क्यों नहीं इंजन को एक साथ ही कंबशन दे देते हैं, मतलब सारे इंजन में एक साथ कंबशन क्यों नहीं कर देते हैं। तो पहले आपको ये समझना है कि ये पावर जो होता है ना ये क्या मेंटेन करता है, हमको इवन सप्लाई करना होता है। तो अगर हम फायरिंग ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो दैट विल मेंटेन द इवन टॉर्शन मूवमेंट, और जो लोड होगा ना वो इंजन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोड मतलब अब पावर प्रोड्यूस हो रहा है तो पावर क्या करेगा, लोड बियर करेगा। हम इंजन पे कुछ लोड दे रहे होंगे, गाड़ी या बाइक क्यों चलाते हैं, हम उस पर बैठते हैं, ट्रक क्यों चलाते हैं, क्योंकि उस पर लोडिंग होती है, बैठते हैं, उसको ले जाना होता है। तो उस लोड को इक्वली हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें हमारे सारे सिलेंडर को, इसके लिए हम फायरिंग ऑर्डर डिजाइन करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फायरिंग ऑर्डर ऐसे ही क्यों करते हैं, हम 1 2 3 4 जितना भी बनाए हैं सबको ऐसे क्यों नहीं कर देते, सिक्वेंसली क्यों नहीं कर देते हैं, ये 1 2 3 3 4 5 इस तरीके का करने का क्या मतलब है, मतलब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इसकी क्या मीनिंग है। तो देखो इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा फील करने की कोशिश करना। सपोज ये इनलाइन माउंटिंग है आपके सिलेंडर्स की, तो अगर आप इन दोनों को, सपोज ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है और ये 4 है, आप सपोज 1 और 2 को एक बारी बारी से क्या किया, सिमल्टेनियसली बंद कर दिए, तो ये जो हमारी शाफ्ट है इस पे अनयूनिफॉर्मली लोड आ जाएगा, यहां पे पावर आ जाएगा इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अनयूनिफॉर्म लोडिंग हो जाएगी, तो इसके लिए हमको अलग से मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो हम अगर ऐसा कुछ करें कि इन दोनों का जो शेयरिंग ऑर्डर है वो चेंज कर दें, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इस पे जो लोड आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब वन साइड लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फायरिंग ऑर्डर बनाते हैं। तो अब हम फायरिंग ऑर्डर रखते क्या है, फायरिंग ऑर्डर रखते हैं जनरली 1 3 4 2, मतलब 1 3 4 एंड 2 इस तरीके से कि यहां पे एक बार पावर आए, फिर यहां पे आए, फिर यहां पे आए, फिर यहां पे आ जाए। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये आ गया सर तो यहां पे लोड अचानक से नहीं आ जाएगा, ये बहुत तेज होता है। जैसे यहां पे आया, जैसे यहां पे आना खत्म होने वाला ही है तब तक ये कंबसन हो जाएगा इसका और यहां पे पावर आ जाएगा। तो हमारा जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो यूनिफॉर्मली हो जाता है, जिससे हम ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें पावर सप्लाई को यूनिफॉर्मली हम क्या कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। तो इसलिए हम फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करते हैं। हमारा जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो होता है 1 3 4 एंड 2 1 3 4 एंड 2। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सारा चीज मैंने लिख दिया आपको, जो मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, चूंकि पीडीएफ शेयर करूंगा तो सारी चीजें शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको याद रहे ना रहे, तो थोड़ा सा मेहनत करके मैंने लिख दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम विच शोज अ करेक्ट क्रैंक पोजिशन करेस्पॉन्डिंग टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल। क्रैंक पोजिशन और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इन सबको कौन दिखाता है, क्रैंक पोजिशन एंगल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन दिखाता है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। आपने ड्रॉ भी किए होंगे, आपने देखे भी होंगे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब ये इंडिकेटेड डायग्राम क्या होता है, इंडिकेटेड डायग्राम दिखाता है आपके प्रेशर को, इंडिकेटेड प्रेशर को कह सकते हो आप, वो भी किसके साथ, डिग्री ऑफ रोटेशन के साथ, क्रैंक के रोटेशन के साथ, इसके साथ। अब देखो ये प्रेशर है तो यहां पे फोर्स है, प्रेशर फोर्स कैसे आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर फोर्स है तो ये पावर भी है, तो आप सब में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, इंडिकेटेड पावर, फोर्स, पावर, वर्क डन, ये सारे क्या करते हैं, को रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो हम इंडिकेटेड डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंडिकेटेड डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मगर स्पेसिफिकली यहां पे जो पूछा है वो कौन सा डायग्राम होता है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम होता है। एक्सियल फोर्स का भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, कौन कौन से फोर्स आते हैं, एक्सियल, नॉर्मल, बेंडिंग भी आता है। तो ये सारे फोर्स को हम, हमारा जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो कितने एंगल पे टर्न करेगा, ये आप वॉल्व टाइमिंग डायग्राम देख सकते हो, वो किस किस एंगल पे टर्न होगा, तो कितना कितना एक्सियल फोर्स आएगा, ये सब चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना बेंडिंग आएगा, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो, सबका डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में पूछा है, 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, हमारा जो इमिशन है इंजन का उसको मिनिमाइज करता है। कैसे मिनिमाइज करता है, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ये हमारे एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनसे रिएक्ट करके कुछ अलग कंपाउंड बना लेता है जो एग्जैक्टली पोल्यूटेंट नहीं होता है। तो सिंपली हम कहें तो ये हमारे पोल्यूटेंट को मिनिमाइज करता है।
तो पोल्यूटेंट को मिनिमाइज करता है, तो कौन से पोल्यूटेंट को मिनिमाइज करता है, ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन है डी, सीओ को मिनिमाइज करता है, एससी को मिनिमाइज करता है, एनओएक्स को मिनिमाइज करता है। ये वर्क कैसे करता है, इसमें कौन कौन से मटेरियल लगे होते हैं, इसमें ऑक्साइड्स लगे होते हैं, बेसिकली प्लेटिनम भी लगा होता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स के ऑक्साइड इसमें लगे होते हैं, और जो कि हमारे जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनसे रिएक्ट करते रहते हैं। दूसरी चीज, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर इसे थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर क्यों कहते हैं, इसे थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर क्यों कहते हैं, कि एक कन्वर्टर तीन तीन गैसेज को या तीन तीन पोल्यूटेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, दैट्स वाई इसे हम थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर कहते हैं, और कोई रीजन नहीं है, बहुत बड़ा इसमें फंडामेंटल कुछ है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इग्निशन इन द स्पार्क इग्निशन इंजन टेक प्लेस व्हेन द पिस्टन इज, इग्निशन कब होगा, जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होगा, और कंप्रेशन स्ट्रोक कब खत्म होगा, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे होगा, टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, अप्रोचिंग द टीडीसी पोजीशन ऑन इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक। ऑब्वियसली कंप्रेशन होने के बाद ही इग्निशन होगा, बर्निंग होती है, जो पावर स्ट्रोक आता है हमारा, एक्सपेंशन स्ट्रोक आता है, तो ये सारी चीज तो आपको समझ में आती है, सिंपल है ये। दूसरी चीज, यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना, चूंकि आप क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर आप आंसर दे पाओ तो। प्री इग्निशन क्या होता है आप लोग मुझे बताओगे, प्री इग्निशन, और क्या डीजल इंजन में प्री इग्निशन पॉसिबल है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही जगह देना है। व्हाट एग्जैक्टली द प्री इग्निशन इज एंड इज प्री इग्निशन इज पॉसिबल इन डीजल इंजन, तो इसका आप आंसर दोगे। यहां पे आप देख सकते हो ये जो पिस्टन है हमारा, यहां से जाके यहां पे हमारा जो है वो इग्निशन होता है, ये कंप्रेस करने के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इन V6 इंजन, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है V6 इंजन में वो कितने होते हैं, दो होते हैं। इन लाइन में जो इन लाइन अरेंजमेंट होता है उसमें एक ही एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मतलब जहां से गैसेज, जहां पे जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर की, क्योंकि ढेर सारे सिलेंडर माउंट होते हैं, तो सारे सिलेंडर की जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं वो वहां पे कलेक्ट होती हैं और फिर उसको हम बाहर करते हैं। तो इसमें दो क्यों होता है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है, दो इसलिए होता है कि इसमें हमारा फिजिकल कंस्ट्रेंट होता है अरेंजमेंट की वजह से, जिसके वजह से हमको दो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड देने पड़ते हैं। इन लाइन में हमारा एक से काम चल जाता है इसलिए हम एक ही लगाते हैं, ऑब्वियसली जरूरत नहीं होती तो दो लगाने की जरूरत पड़ती भी नहीं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे कंप्रेशन रेशियो के रिलेशन पूछे हैं। कंप्रेशन रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है, दिस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ कंप्रेशन। ये होता है, ये बताता है कि हम अपने सिलेंडर में या तो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को या तो केवल एयर को कितना कंप्रेस किए, उसका इनिशियल प्रेशर कितना था, फाइनल प्रेशर पे कितना ले गए, उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये एग्जैक्टली होता क्या है, कंप्रेशन रेशियो को हम CR से लिखते हैं। CR इज इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस Vs अपॉन VC। तो ये होता है हमारा रिलेशन, याद रखना इसको। बहुत बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि अगर क्लियरेंस वॉल्यूम घटाते हो या बढ़ाते हो तो हमारे कंप्रेशन रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहां से आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल इन द सेंस कि अगर हमको बुक का नॉलेज है तो नेवरदलेस हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मगर इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करेंगे हम। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रखा जाए, द एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल कंबसन साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं कि कभी कभी मैं फंडामेंटल बता के आगे निकल जाता हूं और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर कौन सा है, तो क्लियर कट उनको आंसर पता नहीं चलता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है एफिशिएंसी, ऑटो की होती है। किस पे अगर हम बात करें, सेम कंप्रेशन रेशियो पे, इसके बाद ड्यूअल की होती है। तो यहां पे ड्यूअल को पहले दे दिया है तो हमारा क्या होगा, ये ऑटो से कम होगी और डीजल से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इट इज द ग्रेटर देन द डीजल एंड लेस देन द ऑटो, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखो ये तो बुक का नॉलेज है तो हमने बता दिया, अब आप सोच के देखो कि इन्होंने कहा कि सेम कंप्रेशन रेशियो, चलो मैं कंप्रेशन रेशियो ले लेता हूं 18:1 ले लेता हूं। अब बताओ इस पे पेट्रोल इंजन की क्या हाल होगी, पेट्रोल इंजन तो चल ही नहीं पाएगा, इतना ज्यादा नॉकिंग होगी, कितना ज्यादा प्रेशर रहेगा अंदर, उतना प्रेशर तो डिजाइन ही नहीं होता है हमारे पेट्रोल इंजन में।
उसकी हालत खराब हो जाएगी, हो सकता है वो ब्लास्ट करने के कगार पे हो जाए, ठीक है। मगर हम तो ये कहेंगे ना कि सेम कंप्रेशन रेशियो है तो एफिशिएंसी हमारे ऑटो की सही होनी चाहिए। अब इसका उल्टा कर देते हैं हम चलो कंप्रेशन रेशियो ले लेते हैं 8, यहाँ पे हमारा जो डीजल इंजन वो स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि हमारा इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं पहुंच पाएगा, हम उतना कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे फूल को कि वो बर्निंग स्टार्ट हो वहां पे। तो दोनों रीजन है मगर हम कंप्रेशन रेशियो तो सेम ले रहे हैं। तो अगर हम फिजिकली देखें तो इसका बहुत सारा कंस्ट्रेन है, ठीक है। एक मीडियम कंप्रेशन रेशियो लेंगे हम तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे अगर इसके रेंज में होगा, ऑब्वियसली ऑटो के रेंज में होगा तो ऑटो अच्छा परफॉर्म करेगा, डीजल के रेंज में होगा तो डीजल अच्छा परफॉर्म करेगा। बट ये हम बुक में पढ़ते आए हैं कि अगर ये होगा तो ऑटो अच्छा होगा, डुअल अच्छा होगा, फला अच्छा होगा, फला। मगर आप इस चीज को फील कर सकते हो कि यहाँ पे क्या फिजिकल कंस्ट्रेन है। तो अगर डीजल के रेंज में है, सॉरी पेट्रोल के रेंज में है तो पेट्रोल अच्छा परफॉर्म करेगा, डीजल के रेंज में है तो डीजल अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन डिपेंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला पता है। इफिशियंसी क्या होती है, 1 - 1/r^2 ये क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, इन ब्रैकेट ये क्या है बच्चों, कट ऑफ रेशियो है। कट ऑफ रेशियो डीजल इंजन में आता है, आप कैसे फाइंड आउट करते हो यहाँ पे डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, हमारे कट ऑफ रेशियो पे भी डिपेंड करते हैं और कंप्रेशन रेशियो पे भी डिपेंड करते हैं इसकी इफिशियंसी। अगर यहीं पे पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी पूछे आप तो किस पे डिपेंड करता है, कंप्रेशन रेशियो पे, ठीक है। वहां पे कट ऑफ रेशियो नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन एडवांस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एडवांस इग्निशन क्या होता है। सपोज ये हमारा सिलेंडर है, अब इग्निशन कहां पे होना चाहिए, जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला है। सपोज यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो रहा है तो यहाँ पे इग्निशन होना चाहिए, ठीक है। फ्यूल बर्न करेगा, हमारा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, पावर स्ट्रोक कहेंगे इसे, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पे नहीं पहुंचा और हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा है कि नहीं यहां तक पहुंचते पहुंचते इग्निशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं हम, तो इसे हम क्या कहेंगे, इग्निशन एडवांस, एडवांस में इग्निशन हो रहा है, ठीक है, हमारे टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले हो जा रहा है। अब कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि प्री इग्निशन और इग्निशन एडवांस में डिफरेंस क्या होता है। तो प्री इग्निशन क्या होता है, एक सेल्फ प्रॉपर्टी होती है। प्री इग्निशन क्यों होगा, सपोज ये कंप्रेशन स्ट्रोक लग रहा है और यहाँ पे कोई रेड हेड कार्बन पड़ा हुआ है, रेड हॉट कार्बन। रेड हॉट कार्बन कैसे पड़ा हुआ है, कोई कार्बन पार्टिकल बर्न नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे वॉल में चिपक जाते हैं, बर्न नहीं होते हैं बट उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब ये यहाँ पे चिपका है और हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा इंजन लगा रहा है। कंप्रेशन स्ट्रोक लगते तो यहाँ पे जैसे पहुंचेगा इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हमारे क्या करता है, मिक्सचर को इग्नाइट कर देता है और कंबसन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। कंबसन यहाँ स्टार्ट होना चाहिए, ये यहाँ पे स्टार्ट होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है, तो इसे हम कहते हैं प्री इग्निशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनल कंबसन इंजन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द कंबसन हीट दैट पास टू द सिलेंडर वॉल कितना, दैट इज अराउंड 30%। आप देखो कि 30% हीट तो सिलेंडर लॉस कर देता है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप बता पाओ तो क्या करूं, मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है ना मुझे पूछने का मन करता है। अभी देखो ये लॉस है, हम ये क्या कर रहे हैं, इसको लॉस कर रहे हैं, इतना हीट का लॉस कर रहे हैं। अगर इस हीट को हम यूटिलाइज करते तो हमारे इंजन की एफिशिएंसी क्या होती, बढ़ जाती है ऑब्वियसली। मान लो हमने 10 kJ हीट सप्लाई किया, 10 kJ से क्या हुआ, 3 kJ, 30% लॉस है, 3 kJ लॉस हो गई, 7 kJ बची, 7 kJ में से कुछ फ्रिक्शन पावर में चला गया, कुछ हमारे जो एनर्सिया को ओवरकम करने में चला गया, मतलब टोटल मान लो 5, 2 इधर चला गया, तो हमारा 50% एफिशिएंसी हो गई इंजन की। अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये 80% हो जाती है एफिशिएंसी। तो ये डायरेक्टली हमारी एफिशिएंसी को हार्म करता है ना, करता है कि नहीं करता है, मगर फिर भी ये हमारी एफिशिएंसी को हार्म करती है हीट लॉस सिलेंडर से। फिर भी हीट लॉस को प्रमोट करने के लिए हम अपने सिलेंडर पे क्या लगाते हैं, फिन्स लगाते हैं कि हीट लॉस ज्यादा हो। हम ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग इंजन बनाते हैं कि यहां से जितना ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस हो सके वो बढ़िया है, हमारा इंजन ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। एक तो हमारे हीट लॉस से हमारे इंजन की एफिशिएंसी को नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये इच्छा जता रहे हैं कि हम अपने इंजन से ज्यादा अमाउंट में हीट लॉस करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट थोड़ा फंडामेंटल है, आप सोचिएगा, अगर समझ में आता है तो आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डीजल फ्यूल मे बी एक्सपेक्टेड टू बी अ रेंज ऑफ, किस रेंज में होता है डीजल का, ये तो डिफाइंड है तो बहुत ज्यादा इसमें फंडामेंटल है नहीं कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो 182 लेके 360 तक, 182 360 तक होता है ये, इसके बीच में जो भी आंसर आपका मैच कर रहा है वो आप टिक कर सकते हो, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, हमको मैच करना है।
यहां पे कंबसन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आउटकम, आपको इसको मैच करना है। तो पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है आपको एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? कंबिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये कैसा होता है? ये होता है एक्सोथर्मिक, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। डिसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल का सेपरेशन, मॉलिक्यूल का टूटना। ये कैसा होता है? इंडोथर्मिक होता है, मॉलिक्यूल को आपको तोड़ना है, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, ये फ्लेम फ्रंट क्या होता है? फ्लेम फ्रंट एक तरह की वेव होती है, ट्रेन की तरह बहुत सारी वेव्स क्या करती हैं, हमारे इंजन सिलेंडर को हिट करती रहती हैं, जिसे आप सूडो शॉक भी कह सकते हो। ये फ्लेम क्या करेंगी? हमारे इंजन सिलेंडर को हिट करती रहती हैं कंटिन्यूअसली, तो उसे हम कहते हैं फ्लेम फ्रंट। अब एबनॉर्मल कंबशन, अगर एबनॉर्मल कंबशन है तो क्या होगा? हमारे इंजन की नॉकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, एबनॉर्मल कंबशन से क्या होता है? नॉकिंग बढ़ जाती है, और नॉकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक हमारे इंजन की। तो इस तरीके से ये सारा को देखते हुए आपका जो आंसर होगा आई थिंक बी होगा, बी करेक्ट होगा। मैच कर लेना आप कहीं पे, पी का 4 ऑब्वियसली, क्यू का 3, ओके ऑल राइट, आर फ्लेम का 1, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डीजल इंजन कंसिस्ट, इसमें आप साइकिल का नाम दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। डीजल इंजन क्या होता है? डीजल इंजन में चलो अगर हीट एडिशन हो तो किस पे होता है? कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो एक तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया, अगर हीट रिजेक्शन होगा तो किस पे होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, और इसके बाद क्या बचता है? एक्सपेंशन प्रोसेस एंड कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में क्या होते हैं? आइसेंट्रोपिक होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज, कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन, इससे पहले भी हमने बात किया था कंप्रेशन रेशियो कितना होता है पेट्रोल इंजन की, तो दिस इज मोर फेवरेबल 8 to 12, ये मोर फेवरेबल होता है। ठीक है, इससे थोड़ा कम भी रहेगा तो ऐसा नहीं कोई कहेगा कि वो नहीं है, मगर 8 to 12 इज मोर फेवरेबल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज बी, इसके रेंज में आता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट इनपुट द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ द गैस पावर इज इन द ऑर्डर ऑफ। देखो अब हुआ कंफ्यूजन आपको, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, किस पे? कंप्रेशन रेशियो पे। तो वहां पे हमारा जो आंसर आया था वो ऑटो साइकिल सबसे ज्यादा एफिशिएंट थी। यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो यहां पे जो हमारी डुअल साइकिल होती है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है, और हमारी जो ऑटो साइकिल होती है वो लिस्ट एफिशिएंट होती है। क्या होती है? लिस्ट एफिशिएंट होती है, सबसे कम एफिशिएंट होती है। तो यहां पे जो ऑर्डर होगा आपका, पहली एफिशिएंसी होगी डुअल साइकिल की, डुअल साइकिल, फिर किसकी होती है? डीजल की होती है, फिर किसकी होती है? हमारे ऑटो की होती है। तो ये आप इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी, ये ऑर्डर होता है, ये आपको याद रखना है। तो पहला होगा डुअल, डीजल एंड ऑटो, तो हमारा जो आंसर होगा इसके लिए वो होगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द पावर डेवलप इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड, सिलेंडर के अगर इनसाइड पावर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर मतलब भैया वो दिखावा है, दिखावे का पावर है, वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो पूरा ब्रेक पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो उसे इसलिए हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर क्या होता है? जो शाफ्ट पे डेवलप होता है। फ्रिक्शन पावर क्या होता है? जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाता है। ठीक है, तो सारा पावर कहां से आता है? इंडिकेटेड पावर से। इंडिकेटेड पावर से फ्रिक्शन पावर भी आता है, ब्रेक पावर कुछ लॉस हो गया फिर ब्रेक पावर में चला गया। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में पावर प्लांट आप कह लो, पावर प्रोडक्शन के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम? आईसी इंजन यूज करते हैं ऑब्वियसली, गैस टर्बाइन तो बड़े जहां पे मेगावाट में बिजली प्रोडक्शन होता है वहां पे यूज करते हैं, बैटरी बहुत ही छोटे लेवल पे यूज करते हैं घर में बल्ब जलाने के लिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द पेट्रोल इंजन वर्क ऑन, सिंपल क्वेश्चन है, किस पे वर्क करता है? ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। करनॉट साइकिल भी यहाँ पे दिया है, फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपके मन में, आप कहोगे सर आप ज्यादा ही क्वेश्चन पूछते हो, चलिए अगर आप जवाब दे पाओ तो ठीक है, नहीं तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना आप उसको याद रखना, कभी हम लाइव सेशन करेंगे तो उस लाइव सेशन में आप क्वेश्चन मुझको याद दिलाते रहना, मैं आपको आंसर बताऊंगा।
ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी तो कभी लाइव सेशन हम जरूर करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर इसमें अगर अगर कोई डाउट रहेगा तो आप उसको रखना, हम वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। तो कर्नोट साइकिल फिजिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कर्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, तो हम इसको फिजिकली बना क्यों नहीं पाते हैं? क्या रीजन होता है कि आज तक कर्नोट साइकिल पे कोई इंजन नहीं बन पाया? ये आप कमेंट करके बताइएगा, शायद आपने पढ़ा ही होगा। रैंकिन साइकिल पता है आपको, स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। डुअल साइकिल तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आपके आईसी इंजन में भी यूज होती है, ठीक है, और पावर प्लांट में भी यूज होती है। जो आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि द थ्री बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन्स आर। बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट इन लाइन आप पढ़ते आए हो, वी टाइप का भी आपने पढ़ लिया, व्हील टाइप, इन लाइन, अपोज भी हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों यूज होते हैं। रेडियल भी कभी कभी यूज होते हैं, बट सबसे ज्यादा यूज होता है इन लाइन, वी टाइप एंड अपोज, सबसे ज्यादा यूज होता है इन लाइन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा सी होगा। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो कि ये कैसे होते हैं। ये इन लाइन का डायग्राम है, वी टाइप का, ऑब्वियसली वी टाइप का। ये रेडियल भी देख सकते हो आप, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि अपोज वाला कैसे होता है, अपोजिट साइड में हमारे सिलेंडर लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई इंजन आपको पता है। एसआई इंजन पहला ऑप्शन पढ़िए, सीआई इंजन कंप्रेस्ड एयर एलोन इंस्टेड ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर। बिल्कुल सही बात है, केवल इसमें एयर कंप्रेस होती है। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्रेस होने वाला था, हम फ्यूल को क्या करते हैं, इंजेक्टर के थ्रू इसमें इन करते हैं, कंबसन प्रोसेस चालू होता है। बिल्कुल सही बात है, सही है ये। एयर टेम्परेचर इग्नाइट द फ्यूल इन द सीआई इंजन। ऑब्वियसली जब एयर को कंप्रेस करोगे उसी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अब पेट्रोल जो डीजल होगा उसका तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको तो हमने कंप्रेस नहीं किया। और हमको पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वेरी सिंपल, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। फ्यूल इज स्प्रे इन द कंबसन चेंबर इन सीआई इंजन एज द पिस्टन नियर टीडीसी ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, हम फ्यूल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा, सारे सही है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंबसन प्रोसेस इन डीजल इंजन इज ए। डीजल इंजन में कंबसन प्रोसेस मतलब हीट एडिशन प्रोसेस है ये, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, हीट एडिशन होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, दैट्स मीन ऑप्शन बी बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए फॉर द पेट्रोल इंजन। अब मुझे आप एक क्वेश्चन बताना, यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल क्वेश्चन है, नेवरदलेस बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आपको जो आता होगा बताना, नहीं आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यहाँ पे हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे बर्निंग शुरू हुई, तो आप मुझे बताओ जब यहाँ पे बर्निंग चालू हो गई तो क्या होगा, हीट एडिशन होगा और तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो हम इसको, जब प्रेशर यहां पे बढ़ रहा है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है? क्योंकि बर्निंग एक बार स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो, अरे सॉरी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो हम इसको कांस्टेंट प्रेशर क्यों कहते हैं? दूसरी बात, चलो अब कांस्टेंट वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही यहां पे बर्निंग स्टार्ट होती है, हमारा पिस्टन नीचे मूव करना शुरू कर देता है, तो जब पिस्टन नीचे मूव कर रहा है तो यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों कहते हैं? यार कंफ्यूजन बहुत है ना, तो ये आप मुझे बताना है, इसका क्या रीजन है, हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर क्यों कहते हैं? एक्चुअल में तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका रीजन होगा ना। आप ऐसा मत कहते हैं कि सर कोई चीज थ्योरेटिकल नहीं होता है, एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंस होता है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ रीजन, कुछ और रीजन है, आप कमेंट करके बताइएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ आईसी इंजन इज इंक्रीज्ड, क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए, द कंप्रेशन रेशियो विल बी, आपको पता है कंप्रेशन रेशियो सी आर, आगे हमने देखा था, वन प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। ये वन तो है ही, कॉन्स्टेंट है। अब क्लियरेंस वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो हमारा जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसका बी होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन विच अदर इंजन पार्ट अटैच टू द असेंबली इज, क्या होता है भाई, कौन सा पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं सिलेंडर ब्लॉक। क्या कहते हैं उसको, हम सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, इसी पे पूरा जो हमारा इंजन होता है उसकी असेंबली माउंट होती है। ठीक है, ये सिलेंडर हेड होता है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है सिलेंडर हेड पे सिलेंडर ब्लॉक पे, तो आप ध्यान रखना ये बेस है, बेस है, बेस पे ही ये माउंट होता है। अगर ये नहीं रहे तो क्या जमीन पे माउंट करेंगे क्या इसको? ठीक है, तो दोनों मोटा ताजा दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी भी हिस्सेदारी बराबर है। ठीक है, तो इंजन ब्लॉक पे ही सारी चीजें माउंट होती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रिफर्ड इन द टर्म्स ऑफ, इंजन सिलेंडर की साइज किस पे रिफर्ड करती है? ऑब्वियसली बोर पे, उसके बोर पे और स्ट्रोक पे।
स्ट्रोक क्या होता है, लेंथ, लेंथ पे और उसके बोर पे, डायमीटर पे और लेंथ पे, डायमीटर और लेंथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, वहां पे आपको इन सब लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। और थोड़ा यूट्यूब चैनल को भी मेरे शेयर करते रहिए, प्रमोट करते रहिए, मेरे साथ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा तो आप सेकेंड पार्ट भी जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है।